हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आई क्या हुआ इसलिए बताऊंगी, बाद में बताऊंगी. गुड मॉर्निंग. और आज बन रहे हैं कटलेट. आज पोहा अच्छे कटलेट. पोहा कौन था? पोहा और आलू मिक्स करके कटलेट. पोहा और आलू मिक्स करके कटलेट. ये पता नहीं कौन से कटलेट ले. बहुत टेस्टी लग रहे हैं. ये रहा इसका बैटर. अभी मैं रेडी बिल्कुल तैयार करके ये रेडी करके कटलेट. रेडी नहीं है ये. हाँ मतलब ऑयल है. विदाउट ऑयल फ्री. हाँ विदाउट ऑयल फ्री. अरे हटो तो. आज मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ. बहुत अच्छा हो रहा है. ठंडी ठंडी हवा. बहुत अच्छा वेदर हो रहा है. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है. इस मौसम में तो बहुत घूमने चल रहा है. अरे आज तो गाड़ी घुमा. हाँ पापा से कहेंगे घुमा लाएंगे थोड़ी देर. शाम को चलेंगे थोड़ी देर. बहुत अच्छा वेदर हूँ आपको कि देखिए. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है. इतनी ठंडी हवा तो कभी भी जिंदगी में नहीं चली. अब आ गई है असली वाली विंटर्स. जिन विंटर्स में बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है, और वो विंटर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. क्योंकि अभी तक जब तक भी धूप निकलती थी, जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ कोको के लिए, तब इतना ध्यादा कोहरा हो रहा था. बोलती हैं ध्रुव चक्रवाती काम सारा. अच्छा 8 बजे उठाया आज वो. मैं 3 बजे उठती हूँ, फिर मैं 5 बजे उठती हूँ. आज 4 बार पटरी उठवाई. मॉर्निंग में कितने उठाई? 2 बार तो मैंने उठाई है. 2 बार ध्रुव ने उठाई. 8 बजे इस सिर्फ उसे खिलाती हूँ. वो नहीं, मैं सिर्फ खिलाती हूँ. एक्सक्यूज मी, मैं सब कुछ करती हूँ उसका. ठीक है मैं खिलाती हूँ सब कुछ, तुम करती हो. हाँ वो ये खिलाती हैं. दिखाते हैं. देखो मम्मी भी सो रही हैं. देखो ये देखो मम्मी जी सो रही हैं. गुड मॉर्निंग. ये क्या हुआ अभी? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मम्मी सो रही हैं. और कोको को भी दिखा देते हैं, फिर वो भी हमारा फैमिली मेंबर. कोको गुड मॉर्निंग. कोको गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग नीला बाबू. गुड मॉर्निंग चुचु. लगेगी ये हो गया. टप 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 टप. ये भी सोता है, अभी उठा है बस. परा प्यार परी नहीं परा. तो ये बन रहा है कटलेट के लिए आलू शेक कटलेट. जब मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट अच्छा होता है ना, तो इवनिंग तक अच्छा ही होता चला जाता. क्योंकि इवनिंग में बनेगा छोले. आफ्टर दोपहर में बनेंगे वो तो खाई जाएंगे इवनिंग में भी, है ना. रात में क्या बनाओगी? जो मम्मी कहेंगी वो बनेगा. अंडे बना दूं आज? क्या बन जाएंगे अंडे. अंडे बना दूं. ये है तेल गरम करने के लिए. और ये छोले अपनी फायरिंग करती है. ये कटलेट्स रेडी हो रहे हैं. ये तेल गर्म हो रहा है. ये देखो इनकी कटी कटी चल रही है. ऐसे चुप हो गए. मैं भी खाऊंगा. मैं भी खाऊंगा. कौन? ये डालेंगे आप कटलेट्स ऑयल में. बेचारे को परेशान मत कर. ले चल जा जितनी दूर. सॉरी कोको सॉरी. कोको तुझे परेशान कर दिया ना.
आ जा इधर आ, तुझे उल्टा दिखा दूंगा इधर। कटलेट हो गए हैं थोड़े थोड़े क्रिस्पी। इसे देखो ध्रुव मधुर, मैं बच्चा ये बन के रेडी है हमारी कटलेट। स्वाद लिया जा रहा है कटलेट का। यशु आओ यहाँ पे सो उसे उसे चुपचाप वहां पे ना बैठा रहने दो। मैं भी आ गया। ग्रुप भी आ गया। खेलता रहेगा बेटा उस पे ही। बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर निकल रही। हाँ नहीं निकलेगा। दलिया खाओगे? दलिया हाँ। कटलेट और दलिया और चाय, बटा कॉम्बिनेशन। अब तो कटलेट गर्म भी नहीं लग रहा है, हाथ इतने ठंडे हो रखे हैं। पापा पूछ के मत रख देना, काटने वाले थे बस, काटने को आ जाओ, काटने को हो रहा था वो अभी आपको पैर को पूछ पे पैर रखने वाले। क्या बहनी, बहनी ने काट लिया? तो पियोगी कटोरी से? हाँ तो कटोरी से पियो, किसने मना कर दिया? कटलेट खाओ। टिप, हमेशा चाय में एक चम्मच रखनी चाहिए जिससे उसके ऊपर मलाई ना हो। कोको जी क्या कर रहे हैं? कोको जी खेल रहे हैं अपने टॉय से, एक साइड को बैठे हुए कोको जी खेल रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल वो भी ला के दिया है, सांप स्नैक, उससे भी खेलता है बहुत। वो उसके पैर के नीचे दबा कर कोको, चलो फोन ला के दो पापा का। कुछ तो करके आया, क्या करके आया? कुछ करके आया पर। ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट चुपचाप हर टाइम उसके बैराग में। पागल तो ना हो गया तुम सारे के सारे? हम पागल हैं। अरे अरे बता, इतनी तेज में मत मारो, करेगा नाटक बाजी, बता ले रुपया, जाके चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठ जा और उठ गया ना वहां से तो पढ़ाई इतनी करूंगी बहुत। बस चुप वहीं बैठ। गाइस मम्मी को डांटो कमेंट सेक्शन में। क्या डांटो? पैरों में काटता है तो डांट नहीं जाएगा? काटता नहीं है। देखो कितनी शांति से बैठ गया, देखो ना कितनी शांति से बैठ गया। ऐसे समझाओ इसे, देखो देखो मैंने डांटा तो अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया आराम से। और ये बच्चे ना इसको सुधरने नहीं देंगे बिल्कुल भी, इनके हिसाब से तो हम खलनायिका हैं, हम इसे बहुत मारते पीटते हैं, अत्याचार करते हैं इसके साथ। नमस्ते बेटा। नहीं इसको भी बहनी की तरह काटने की आदत डलवा दो। बहनी ने काट लिया, बताओ ऐसे क्यों कर रही है वो? ये तो असली लगता है, ये मैं लेके आई थी, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ सांप ले आती हूँ। मुझे और डर लगे, ये इन लोगों के पैरों पे ना खिलौने देखता है, ये शूज जो है इसके इन्हें खिलौने लगते हैं, इसे इनसे खेलता है सबसे ज्यादा। नो कोको, कोको नहीं, कमरे में पूछ है, इसे देखो इसकी तो पूछ रुकता नहीं है। अंदर बंदर में जा रही हो? चलो इसके सारे खिलौने डाल दे उसमें। देखो 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 अंदर जाने के बाद कैसे नाटक करता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक ना छोटा सा पपी जो है वो नाली में गिर गया था आज हमारे घर के सामने, और उसको बड़ी मुश्किल से नाली से निकाला, और फिर खुशी ना उसको खाना खिलाने के लिए लेकर गई है, मतलब खाना खिला रही है उसे। वो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना, तो उसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड ठंड लग रही है उसको। अब उसको घर के अंदर तो नहीं ला सकते क्योंकि घर के अंदर तो नहीं प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं ला सकते, बट हम उसको ना बाहर बैठा कर धूप में, और उसको खुशी जो है वो खाना वगैरह खिला रही है। अभी थोड़ी देर धूप में रहेगा ना तो ठीक हो जाएगा, मतलब ठंड कम लगने लगेगी, बट इतनी ठंड में पता ही मुझे लग रहा है पूरी रात से नाली में गिर गया था शायद, तो बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था। तो इस तरीके से हमारे घर पर तो अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है एनिमल के साथ,
तो हम करते हैं, बट हमारे इधर ना मुरादाबाद में कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहीं कॉल करके कह दें कि भाई ऐसे ऐसे किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे होते हैं ना एनिमल सेंटर होते हैं काफ़ी सारे, रेस्क्यू करे हुए एनिमल जहाँ पर रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे मुरादाबाद में नहीं है। तो हम लोग जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करेंगे। बस इसी तरीके से ना हम लोग इसको धूप में बैठा कर और खाना वाना खिला रहे हैं, जो रोटी वगैरह मैंने भेजी थी नीचे। तो खुशी को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करना। और हमारे घर में ना सबको ही हम लोगों को एनिमल का बहुत शौक़ है, और मतलब बड़ा तरस आ रहा था इसको देख देख के, क्योंकि पता नहीं इसकी मम्मी कहाँ है, इतना तो छोटा है ये, पता नहीं इसकी मम्मी भी कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। तो वो बेचारा खुशी के आगे पीछे घूम रहा था, खुशी उसको खाना खिला कर लेकर आ रही है। इधर आ चलो सामान बाद में निकाल लेते हैं ना। हाँ, तो हम लोग क्या करने के लिए आए एक बार बता दो। दीदी को छोड़ने आए, दीदी को छोड़ने आए बिहार। देखा, इन दीदी को छोड़ने आए बिहार। अभी अभी देखते हैं। हाँ, यशवीर के साथ। अरे इनका सामान लेना, सामान, अरे सामान तो ले आओ सामान। इसके ट्रॉली का तो वो खोल लो, चलाने वाला। चलो चल भाई चल। ओके तो हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद अभी इनको बैठाने की तैयारी चल रही है। अब इनकी गाड़ी नहीं आई है, अब इनकी गाड़ी आ जाएगी तब बैठाएंगे इनको हम। आप लोग क्या लीजिएगा बताइए। हाँ कुछ नहीं चाहिए, जो लेना तुम्हें ले लो अपने। हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई। हम लोग स्टेशन पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं गाड़ी का। ठंड लग रही है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठंड लग रही है, ठंड बहुत ठंड लग रही है। हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम लोगों की ट्रेन ना आ चुकी है, और अभी हम लोग इनको बैठाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे घर। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ओहो, V5 भी आके रुकेगा अपने पास। ये V4 आ गया है। चलो भाई बैठो, चढ़ जाओ। हम भी चढ़ें क्या? उतरा ना गया तो। बैठ गई। कौन सी वाली है ये तुम्हारी सीट? हाँ सही है सही है, बैठो बैठो, आराम से जाना, कॉल कर दियो ठीक है। चलो भाई, हम लोगों ने इन्हें बैठा दिया है। चलो इधर से निकलना है ना, आ जाओ इधर से वापस। चलो बाय बाय बेबी, बाय 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 बाय। अरे बस बेबी, बाय 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 बाय। आने के बाद इधर बोलो, आओ बेटा बबली। अरे क्या नाम तुम्हारा बेटा? आओ। हाँ, हमने इन्हें बैठा दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपना घर वापस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो भागो। हाँ 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 हाँ, जिम्मेदारी खत्म। कैसा लग रहा है? जिम्मेदारी खत्म। कौन से में थी? यहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ मंजू, उनसे आंटी से बोलो सामने वाली हेलो बाय बाय। तो हम उन्हें बैठा के आ गए हैं और अब जा रहे हैं घर। ओफो थक गए यार, पता है, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया और उस तक जाने के लिए हम लोग एंड टाइम तक वहीं पे बैठे थे,
जो उनका प्लेटफॉर्म बंद था, पर वो फोर में बदल गया, फिर फोर को भागे चलते चलते सीधे सी हो गई। ओ माई गॉड, अब जा रहे हैं घर। तो मैं आ गई हूँ घर, और पार्लर के बच्चों को मैंने पार्लर जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं ना वहाँ पे छोड़ दिया है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। भाई मैंने अपनी लाइफ का आई थिंक दूसरी बार मैं रेलवे स्टेशन गई हूँ, उससे पहले मैं कभी भी रेलवे स्टेशन नहीं गई थी। एक बार गई थी जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो हम लोग शिरडी गए थे, तब गई थी मैं, और एक आज गई हूँ। और बचपन में कभी गई होंगी उनका, उसका मुझे याद नहीं है, बट बहुत टफ है। ओ माई गॉड, बहुत चलना पड़ा, प्लेटफॉर्म वन से प्लेटफॉर्म फोर जाना पड़ा। बस बैठा दिया आराम से उन्हें, सीट पे बैठा दिया उनकी बहुत अच्छे से, और अब आ गई हूँ मैं घर। और मेरे दिल को बहुत तसल्ली है, क्योंकि वो पता है बहुत दूर की हैं, वो बिहार से हमारे यहाँ पर आई हैं पार्लर सीखने के लिए, तो अब उनको जाना होता है ना, तो वो इसी तरीके से जाया करेंगी, तो हम लोग उनको छोड़ के आया करेंगे प्लेटफॉर्म तक। और फिर उसके बाद चलिए मैं खाना वाना खा लेती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत थक गए।